लोग को इंटर क्लास में देखिए गया ताकि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मेरा बहुत सैड है। सैडली मुझे ये सब कुछ शेयर करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने बोला था कि मैं इंशाल्लाह डेली व्लॉग अपलोड करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे साथ एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये ना होता तो इससे बहुत बुरा होता। अल्हम्दुलिल्लाह जो बच गया है मैं उसके लिए अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बाकी बच गए हैं। तो देखें, ऐसा हुआ कि मेरा एक किटन पिनो का जो बच्चा है, एक पिंकी, उसकी डेथ हो गई, और स्वीटी जो है उसके तीन बच्चों की, इन दो दिनों में चार बच्चों की डेथ हो गई और वायरल से हुई है। और कुछ उन्हें ठंड भी लगी थी, उन्हें वायरल हो गया था, मुझे नहीं पता चला था कि उन्हें वायरल है। मैं अक्सर लड्डू बर्फ़ी जब छोटे थे ना तो मैं इनका मुंह खोल के, मतलब मैं उन्हें चेक करती रहती थी 24 घंटे में उनके साथ होती थी, उन्हें मैं चेक करती थी कि क्या प्रॉब्लम है। तो जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम लगता था मैं गूगल कर लेती थी या फिर मैं डॉक्टर को फ़ौरन मैसेज कर देती थी और वो भी मुझे फ़ौरन ही जवाब दे देते हैं। मैं पिनो को, जब से पिनो को मैं चेकअप वगैरह करा रही हूँ ना, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही कराती हूँ, तो उसके डॉक्टर से मेरा कॉन्टेक्ट रहता है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस चीज़ से निकल आती हूँ, और अभी भी यही हो रहा है, वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट में है और बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर है। मैंने इनको हीट के लिए ब्लैंकेट में रखा हुआ है, बास्केट में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इन्हें सेहत दी, मेडिसिन से इन्हें शिफा मिली, तो ये बेहतर हो रहे हैं। आप दुआ करिएगा कि ये रिकवर कर जाएं। इंशाल्लाह ये इस बीमारी से लड़ लेंगे, ठीक हो जाएंगे। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। और यहाँ पे स्वीटी की हालत आप देखें, ये स्वीटी कितनी गंदी है, ये क्लोज़ में आप देखें कि कितनी गंदी है, जबकि अपने आप को साफ़ करिए। ये भी खाना खा के आई है और उससे पहले इसने हाउस में छी करी है। तो लड्डू हमारा बड़ा पंगेबाज है तो इस वजह से थोड़ा ये करा है, लेकिन लगेगी नहीं क्योंकि इनके बाल होते ना, इन्हें नहीं लगती पंजे वगैरह। तो स्वीटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम ऐसी है कि स्वीटी लीटर कर देती है जगह जगह। मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया कि ये जहाँ से आई है ना वहाँ ये रहती ही ऐसे होगी, अल्लाह जानता है। लेकिन मैंने इसको बहुत कोशिश की, मैंने किसी भी बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं कराई इसको केज में बंद रखना। और मेरे बच्चे जो केज में बंद रहते हैं ना, वो इसीलिए दिन में वो खुले होते हैं दोपहर में, लेकिन रात को बंद होते हैं। और उन बच्चों को स्वीटी के मोशन की वजह से नहलाना पड़ा क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि आप इन्हें नहला दें। जब बच्चे गंदगी में रहते हैं ना तो उन्हें वायरल, फंगल, जो मुझे डर था ना वही हुआ, जैसे इन्हें कोई वायरल हो जाएगा या फिर गंदगी की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा। और कैल्सी वायरस इन्हें हो गया। कैल्सी वायरस एक बहुत ख़तरनाक वायरस है जो 90% कैट्स मर जाते हैं। ये सितंबर की बात है जब इस बच्चे को ये हुआ। बेबो है ये, बेबो मेरी एक मंथ की थी और मेरे साथ बहुत अटैच थी। ऐसे ही ये वाला बच्चा मेरे साथ छोटा पैकेट बहुत अटैच था। अब इसके मुंह के अंदर देख सकते हैं, ये मुंह के अंदर इसके छाले हैं, आप लास्ट व्लॉग में देख सकते हैं। माशाल्लाह मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक थे, ये इनकी एक दिन पहले की है कि ये लोग खेल रहे थे, ठीक थे माशाल्लाह। और ये स्वीटी के बच्चे बहुत वीक थे जब ये पैदा हुए थे ना, और इस वाले बच्चे की ना ये डेथ होने से थोड़ी देर पहले की वीडियो, और मुझे लग रहा था ये रिकवर कर जाएगा, लेकिन आई कांट एक्सप्लेन। तो ये बच्चे थोड़े दिन के थे तो बहुत वीक थे। स्वीटी तब भी ऐसी ही थी, और थोड़े थोड़े टाइम बाद बच्चों का कलर चेंज होना शुरू हो गया, उनका मुंह गंदा होना शुरू हो गया स्वीटी की वजह से। स्वीटी को ठंड की वजह से शेव भी नहीं करवा रहे थे। आप ये देख सकते हैं स्वीटी बच्चों के बाद, स्वीटी जब गर्मियाँ थी ना तो मैं कुछ दिनों बाद इसको नहला देती थी। तो माशाल्लाह शेरू हमारा बिल्कुल ठीक है, स्वीटी मेरी, पिनो मेरी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और बुलबुल भी मेरी ठीक है। बुलबुल थोड़ी सी लो लग रही है, पता नहीं इसको क्या हुआ है, तो मैं चेकअप कराऊंगी इसका। और यहाँ पे बच्चे ना मुझे किचन में जाने नहीं देते, यहाँ पे मैं टाइगर और
सिम्बा के लिए चिकन रखने जा रही थी क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बोनलेस चिकन और यखनी का कहा है। तो इस तरह से, और ये चिकन है ना काफ़ी टाइम से पक रहा है ताकि उनसे चबाने में प्रॉब्लम ना हो। माशाल्लाह माशाल्लाह ये सही से खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का लाख शुक्र है कि ये ठीक हो रहे हैं, रिकवर की तरफ आ रहे हैं, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और ये जो मिल्क है ये स्वीटी के बच्चों के लिए है, ये सिम्बा और टाइगर को भी बोला हुआ है पिलाने को। तो अब आप देखिएगा कि माशाल्लाह कितने, पहले तो ये उठ भी नहीं रहे थे और माशाल्लाह अब खुद से मैंने फीड कराती हूँ तो ये करते हैं। तो जो बच गया है अल्लाह उसको सेहत याब दे, जो हो गया नुकसान अल्लाह की चीज़ थी उसने ले ली। तो यहाँ पे मैंने केज में इनको डाल दिया था, अभी मैं पीनू को भी डाल दूँगी। यहाँ पे लड्डू और बुलबुल खेल रहे हैं, पीनू ऊपर बैठी हुई है। ये कुछ मेमोरीज़ मेरे छोटा पैकेट के साथ, और मुझे ये लोग बहुत याद आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने पीनू को डाल दिया था, पीनू प्यार कर रही थी। इस तरह से स्वीटी नहीं करती, स्वीटी बिल्कुल भी नहीं ऐसे करती। स्वीटी बस उसका कोई कसूर नहीं है यार, उसके ओनर ने उसको ऐसे रखा है ना, इसकी वजह से वो ऐसे हो गए हैं, इतना बड़ा नुकसान हो गया है। अल्लाह बस उसको सेहतियाबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। 12 बजे मैंने दोबारा से किटन्स को मेडिसिन देनी है, और ये कुछ पुरानी वीडियोस है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं स्वीटी की स्टोरी आपको दिखाऊंगी। और उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, दुआ ज़रूर करिएगा और माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।